दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चाय से जुड़े मेरे इमोशंस को और इस वीडियो की अहमियत को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे दिन की शुरुआत ही चाय पीने से होती है, और वो भी मेरी मनपसंद मसाला चाय। तो जब मैं घर में होती हूँ तब तो बहुत आसान होता है, मैं आसानी से अपने मनपसंद चाय बनाकर पी सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं बाहर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, तो आपको अपनी पसंद की चाय नहीं मिलती है। और अगर मेरी पसंद की चाय मुझे ना मिले तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है, बिल्कुल किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो अगर आप भी मेरी तरह एक टी लवर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी मनपसंद चाय आपको झट से मिल जाए, तो आज की ये रेसिपी बस आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंस्टेंट टी प्रीमिक्स पाउडर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको कि आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और अपनी मनपसंद चाय को एंजॉय कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा प्रीमिक्स पाउडर लेना है और उसमें मिलाना है थोड़ा सा गर्म पानी, और हो गई आपकी मनपसंद चाय तैयार। तो अब आप चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे हो, आप कहीं पे भी किसी भी समय अपनी मनपसंद चाय एंजॉय कर सकते हैं। और आज मैं इस टी प्रीमिक्स पाउडर को चीनी के साथ नहीं बल्कि गुड़ के साथ बनाकर तैयार करूंगी, तो ये काफी हेल्दी पाउडर बनकर तैयार होने वाला है। तो चलिए, इससे पहले कि ये अमेजिंग सी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिलेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दिस टी प्रीमिक्स पाउडर। तो इस प्रीमिक्स पाउडर को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगी करीब 3/4 कप चाय पत्ती। आप किसी भी ब्रांड की चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितना स्ट्रांग आप चाहते हैं उसी हिसाब से आप चाय पत्ती इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले लूंगी 1 कप के बराबर गुड़ पाउडर, और साथ में 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर। चाय पत्ती, गुड़ और मिल्क पाउडर को आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब 4 छोटे टुकड़े सूखे हुए अदरक के, और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, ये करीब 15-16 दाने होंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ, करीब 10 या 12 साबुत हरी इलायची, और करीब 6 या 7 लौंग। और हम सबसे पहले इन सारे सूखे खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है। इसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया है ड्राई जिंजर यानी कि सूखा हुआ अदरक, साथ में मैंने डाल दिया है साबुत काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, सौंफ और दालचीनी का टुकड़ा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ड्राई जिंजर यानी कि सूखा हुआ अदरक थोड़ा ज्यादा डाला है, क्योंकि मुझे अदरक का फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रांग फ्लेवर नहीं चाहिए अदरक का, तो आप 1 या फिर 2 टुकड़े ही डालें। अब हम इन सारे मसालों को एकदम कम आंच पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। करीब 2 मिनट तक आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि इनमें से अच्छी से खुशबू ना आने लगे और इनका कलर भी हल्के से चेंज ना हो जाए। और देखिए, यहाँ हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे। A few moments later. और मसालों को अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे, और इसका एक पाउडर बनाकर हमने तैयार करना है। कई लोग इस चाय मसाला पाउडर में जायफल यानी कि नटमेग का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन आप चाहे तो जायफल का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। केवल 1 छोटा सा टुकड़ा डाले जायफल का, बस उतना ही काफी होता है, काफी स्ट्रांग होता है उसका फ्लेवर। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला पाउडर एकदम रेडी है, काफी अच्छे से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, और इस तरह का पाउडर आपने इसका बनाकर रेडी करना है। तो ये हमारा मसाला पाउडर तो एकदम रेडी है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और आगे के स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। और अब दूसरे ग्राइंडर जार में मैं यहाँ पे ले लूंगी चाय पत्ती। आपको चाय कितनी स्ट्रांग पसंद है उसके हिसाब से आप चाय पत्ती कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं डाल दूंगी जैगरी पाउडर, इसको भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं यानी कि कम या ज्यादा कर सकते हैं। और आखिरी में मैं यहाँ पे डाल दूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने की वजह से चाय बहुत ही क्रीमी और बढ़िया बनकर तैयार होती है, लेकिन अगर आपको ब्लैक टी पसंद है तो आप इसमें मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इन्हें भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इनका भी एकदम बारीक पाउडर बनाकर हमने तैयार करना है। और ये देखिए, यहाँ हमारे चाय पत्ती, मिल्क पाउडर और गुड़ का पाउडर बनकर एकदम रेडी है। तो इसी तरह का एकदम बारीक पाउडर आपने बनाकर रेडी करना है। और अब हम तैयार किए हुए खड़े मसालों के पाउडर को इस पाउडर में ऐड कर देंगे, और दोबारा से इन्हें हम ग्राइंडिंग मशीन में लगाकर थोड़ी सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे, ताकि दोनों तरह के पाउडर जो है आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इनको बहुत ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए ही आप इसे चलाएं, ताकि दोनों पाउडर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए, अब हम इन्हें छान लेंगे, ताकि ग्राइंडिंग के वक्त अगर कोई भी चीज अच्छे से पिसी ना हो तो वो इस छन्नी में निकल आए। तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसालों की इस प्रीमिक्स पाउडर से। वैसे तो मार्केट में भी आपको कई तरह के टी प्रीमिक्स पाउडर्स मिल जाएंगे, लेकिन घर में बनाए हुए टी प्रीमिक्स की बात ही कुछ और है,
क्योंकि हम इसे घर में एकदम हाइजीनिकली एकदम फ्रेश मसालों के साथ बनाकर तैयार करते हैं और इसकी प्योरिटी तो एकदम गारंटीड होती है। तो ये मार्केट से कहीं बढ़िया बनकर तैयार होता है और ये देखिए ये हमारा टी प्रीमिक्स पाउडर बनकर एकदम रेडी है। लेकिन हम इसे ऐसे ही यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे करीब 2-3 बार और छानेंगे क्योंकि जो चाय पत्ती के टुकड़े होते हैं ना वो कई बार एक बार छानने से नहीं निकलते हैं और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अभी भी इसमें से चाय पत्ती के टुकड़े निकल रहे हैं। तो जब हम इसको 2-3 बार छान लेंगे तो इसमें से काफ़ी चाय पत्ती के टुकड़े इस छन्नी में निकल आएंगे क्योंकि क्या होता है ना कि हम यहाँ इसे हाथ से बनाकर तैयार कर रहे हैं। मार्केट में जो प्रीमिक्स पाउडर मिलता है वो मशीन से बनाया हुआ होता है तो उसमें इस तरह के टुकड़े आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप इसे घर में बनाकर तैयार करते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि इसमें चाय पत्ती के बारीक टुकड़े रह जाएं। तो 2-3 बार छान लेने से छोटे छोटे चाय पत्ती के टुकड़े भी इसमें से निकल आएंगे और ये देखिए ये हमारा टी प्रीमिक्स बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर या जार में स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो अगर आप ये प्रीमिक्स पाउडर घर में बनाकर रेडी रखेंगे तो आपके लिए चाय बनाना बहुत आसान हो जाएगा, खासकर जब आप जल्दी में हो या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि 1 मिनट में आपकी मनपसंद मसाला चाय बनकर रेडी हो जाएगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना परफेक्ट ये प्रीमिक्स बनकर तैयार हुआ है। खासकर जब भी आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर छुट्टियां मनाने जा रहे हो तो बस आपने क्या करना है कि इस पाउडर को एक जिप लॉक बैग में डालना है, इसको सील करना है और फिर इसे अपने बैग में डालकर आप अपने साथ कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और अपनी फेवरेट मनपसंद मसाला चाय को आप कहीं पे भी किसी भी समय एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक पॉट में मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 बड़े चम्मच टी प्रीमिक्स। मैं यहाँ पे 2 कप चाय बना रही हूँ इसलिए मैं 2 बड़े चम्मच टी प्रीमिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आप 1 बड़े चम्मच का ही इस्तेमाल करें। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप एकदम गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ पानी आपने इसमें ऐड करना है। और अब इसके ढक्कन को लगाकर हम इसे 2-3 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत चाय के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएं। और देखिए करीब 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी नीचे इसमें थोड़े से चाय के पार्टिकल जो हैं वो नीचे सेटल हो गए हैं। ये आपको ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहा है ये चाय के पार्टिकल्स हैं। और अब मैं लूंगी यहाँ पे चाय का कप, उसके ऊपर मैं रखूंगी छन्नी और इस चाय को हम छान लेंगे। अच्छा, ट्रैवलिंग के वक्त तो आपके पास छन्नी नहीं होगी तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली इस चाय को अपने कप में डालना है और थोड़ी देर के लिए चाय के पार्टिकल्स को आपने सेटल होने देना है नीचे। उसके बाद आप इस चाय को एंजॉय कर सकते हैं और ये देखिए हमारी परफेक्ट मसाला चाय बनकर एकदम रेडी है। तो अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं बाहर छुट्टियां मना रहे हैं और आपको आपकी फेवरेट चाय नहीं मिल रही है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रीमिक्स पाउडर अपने साथ कैरी करें और अपनी फेवरेट चाय कहीं पे भी किसी भी समय एंजॉय करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज ये इंस्टेंट टी प्रीमिक्स की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।